हाँ मनोज बोलिए, क्या कह रहे थे मनोज, आपकी बारी है बोलिए। अरे मानक भाई, कई कई सवाल आप जफर भाई से जब बुनियादी आप पूछेंगे ना तो ये भाग खड़े होते हैं। अरे आप तो इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री है, बताओ काला धन कितना आया, और ये लहर नहीं है मोदी जी की, देश में बेरोजगारी की कहर है। और आप तो एक अर्थशास्त्री हैं, आपने पढ़ा होगा कि विगत 50 वर्षों में सबसे कम बचत हुई है मध्यम आय वर्ग के लोगों में, जो अपना रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। आप तमिलनाडु में कैसे सिटाओगे जीरो, केरला में कैसे सिटाओगे जीरो, आंध्रा में कैसे सिटाएंगे जीरो, महाराष्ट्र में आपकी क्या हालत है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में आप जीरो हो जाएंगे, बिहार की 8 सीटों में आप जीरो हो जाएंगे। तो आप मेरी लाल के हसीन सपने 40 के 40 और वो एक बात है ना, तो लो 26 के 26 गुजरात, 29 के 29 मध्य प्रदेश, 28 के 28 और कहाँ बताओ, कहाँ के बताओ, बताओ कर्नाटक में। मनोज एक सेकंड रुकिएगा, मनोज एक सेकंड, एक सेकंड जफर भाई बताइए, तमिलनाडु बताइए, बताइए तमिलनाडु में 39 सीटों पर वोटिंग है, कल बताइए। सुनिए 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 बताए थे, अरे सुन तो लीजिए मनोज, एक सेकंड मनोज, मनोज एक सेकंड रुकिए, पहले तो स्टार्ट बोलिए जफर भाई बोलिए। देखिए इनके ही स्टेट से शुरू, इनके ही स्टेट से शुरू करते हैं, 80 के 80 उत्तर प्रदेश, आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड 5 की 5, और आगे बढ़ते हैं भाई मध्य प्रदेश, पूरे पूरे के पूरे सीटें 100% वहां, और उसे आगे बढ़ते हैं गुजरात की 26 की 26 सीटें, और आगे बढ़िए बिहार में, पढ़िए उधर बिहार में जाइए, बिहार में आपको 100% 40 की 40 सीटें, महाराष्ट्र में आइए 48 पे एक आध दो स्लिप हो जाए लेकिन 46 सीटें पिछले बार से पहले, और तमिलनाडु में आइए, तमिलनाडु में आइए तो आपको बताते हैं कि इस बार हमने इतिहास रचाना है, हमने वहां पर इतिहास रचाना है। आइए कर्नाटका, तमिलनाडु में सीटें नहीं बताई आपने, आइए केरला भाई, तमिलनाडु में सीटें नहीं बताई, केरल में सीटें बताइए। देखिए कम बताते हो ना, देखिए तमिलनाडु में 10 से 12 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को आएगी, इस बार इतिहास रचेगा, उसी तरह से केरला में हमारा अच्छा खासा सीट आएगा, उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में इस बार हम लोगों ने इतिहास रचाना है, और इसमें तेलंगाना में हमें 11 से 12 सीटें आएंगी। आपको क्या आएगा भाई, 0.0 उत्तर प्रदेश, अरे हकीकत का, हकीकत ही तो बता रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो भाई काका जी, आपको जब लोग, अरे भाई हकीकत कहाँ और क्या बताओ, ओके मनोज सिंह का दिखाया है, मनोज आपकी बारी बोलिए। फतेहपुर में आपका ही विधायक आपके प्रत्याशी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिया, अब है उनके गौतम बुद्ध नगर के प्रत्याशी शर्मा जी की तरह, पूरे देश के लोग मोदी योगी को अपना पिता थोड़ी मान रहे हैं, सबके अपने पिता माँ बाप अभिभावक हैं, कोई लोग लुटेरे को जो इलेक्टोरल बांड को लूट लिए हो, जो पीएम केयर फंड को पूरे देश से चंदा लिया और हिसाब देने की बारी आई तो कहे नहीं नहीं वो तो उनका पर्सनल फंड है, तो आप किसी भी जवाबदेही पर विगत 10 सालों में खड़े तो उतरे नहीं, इसलिए ये देश की जनता जिसने अंग्रेजों को भगाया आपको भी भगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आप किसी भी अपने कहे गए और किए गए वादे पे खड़े नहीं उतरे, इस देश का 83% बेरोजगार तैयार है, माताएं बहनें तैयार है, मणिपुर तैयार है, नौजवानों को आपने अग्नि तैयार है, डिंपल यादव तक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी परिवार के धर्मेंद्र यादव सब आ रहे हैं, आपको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, अब आप सत्ता से बेदखल होने का तैयारी अच्छा। कर लीजिए, जो फाइलें वाले जलवाना है वो जलवा दीजिए, के बारे में सर्वे में आ रहा है कि 333 पार्टी की हालत खराब है, जिसको आ रहा है कि 0.0 नील वो खोल देंगे, वो बेचैनी, अब रुक जाइए, वाजपेयी जी को लाइए।